ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। या श्री स्वयं सुखिदिनां भवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृति धियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सदां कुलजना प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्त परिपालय देव विश्वम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का है, ग्रह परिवर्तन के योग किस प्रकार के बना रहे हैं। मीन राशि वालों, देखिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति महाराज इन दिनों आपकी राशि के अनुसार से बहुत सुंदर भाव में चल रहे हैं। हमने एक वीडियो पहले बनाया था और आपको बताया था। लेकिन शनि महाराज का खेल बड़ा विचित्र है आपके लिए इन दिनों। शनि महाराज अब होने जा रहे हैं वक्री, बुध जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ। बुध आपकी राशि के अनुसार से केंद्रों के स्वामी हैं और वो चल रहे थे अस्त। जहाँ शनि बिगाड़ेंगे खेल, बुध बनाएंगे काम आपका बहुत सुंदर तरीके से। तो ध्यान रखना है, आपको बुध की बुद्धि को जगाना है। लेकिन बुध होते हैं थाली के बैंगन और आपकी राशि वैसे दुस्वाभाविक है, तो ध्यान रखते हुए कार्य करना है आपको। तो कैसे कार्य करना है बुध को जगाने के लिए, उसको आपको सिलसिलेवार तरीके से समझना है। इस जून के अंतिम भाग में आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, उसमें एक पक्ष में 15 दिन की बजाय 13 दिन ही रहने वाले हैं। दो तिथियां जो हैं वो क्षय हो रही हैं। प्रतिपदा भी क्षय हो जाएगी और चतुर्दशी भी क्षय हो जाएगी। ये प्राकृतिक आपदाओं का योग देता है, अशांति का योग देते हैं। और साथ साथ आप यदि ऐसे बिजनेसों में हैं जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। कार्य जो कर रहे हैं समझ लीजिए क्या कुछ समय आपके लिए रहेगा। 21 जून शुक्रवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि है जो करीब करीब 7:31 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा आगमन हो जाएगा। और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये नक्षत्र का संग्रहों का समय आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई देता है। सत्यव्रत कर लीजिए। भाग्य में बैठे हुए चंद्रमा प्रबल हो जाएंगे जो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा को शक्ति देने का तरीका आराधना ही है। पूर्णिमा का योग पड़ रहा है तो विशेष तौर पर इस दिन लाभ प्राप्ति के निमित्त माँ दुर्गा की पूजा जितनी बढ़िया तरीके से करेंगे, सत्यनारायण भगवान का पूजन भगवान भगवती महालक्ष्मी के साथ करेंगे तो बहुत शुभ होगा। ओम नमो नारायणाय और साथ साथ माँ भगवती दुर्गा की आराधना नित्य प्रति करिए। देखिए इस दिन कर लीजिए, ये आपके लिए आने वाले दिनों में लाभ के संकेत बहुत सुंदर बनाएगा और बहुत जल्दी सूचना देगा। ये नोट करके रख लीजिएगा। 22 तारीख का दिवस मान लीजिए शनिवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है और साथ साथ मूल नक्षत्र इस दिन है। इसे एक दिन पहले ज्येष्ठा नक्षत्र था, तो ज्येष्ठा और मूल दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो इस दिन विशेष तौर पर जिनका जन्म हो रहा है उनके माता पिता को अवश्य मूल शांति करा के रखनी चाहिए। और बाकी लोग भी जिनका भी नक्षत्र ज्येष्ठा और मूल में हुए हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें, यदि बाल्यकाल में हो गई मूल शांति तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी भी करा सकते हैं और वो कहीं ना कहीं कष्ट निवारण ही करेगी। नहीं तो ये मूल शांति नहीं होती है तो जीवन में कष्ट बने रहते हैं। 22 तारीख के दिन शनिवार और पूर्णिमा का जो योग बन रहा है, प्रतिपदा का जो क्षय होने का योग बन रहा है, ये बड़ा विचित्र योग है। शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से 12वें भाव में बैठकर नुकसान करने के योग लगातार बनाते चले जा रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए 7:30 वैसी चल रही है आपकी, तो आपको बहुत ज़रूरी है शनि का उपाय लगातार करते रहें। शनि वक्री हो जाएंगे तो आने वाले समय में और कष्ट दे सकते हैं। शनि की 7:30 का प्रभाव नेगेटिव आपके लिए ना हो उसके लिए शनि का उपाय लगातार करें। जो शतबार पाठ पढ़ जोई, हनुमान चालीसा में कहा गया है, तो हनुमान जी का पाठ नित्यपति, हनुमान जी को चोला हर शनिवार को अवश्य चढ़ाएं। ये तो नोट करके रख लीजिए, भूलने वाली बात नहीं है। और जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें नुकसान ना हो उसके लिए खासतौर पे सेहत का ध्यान रखें, पैसे का ध्यान रखें और अपनी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करा के रखिएगा। कहीं ना कहीं ये योग विशेषतर मीन राशि वालों को बहुत सावधानी के साथ समझने की ज़रूरत है। 23 तारीख का अवसर रविवार, द्वितीया तिथि, मकर में चंद्रमा जाएंगे लेकिन दिन में तो रहेंगे विशेष तौर पर धनु में ही। और ये धनु में चंद्रमा रहना आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, चिंता ना करें, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। स्थिति शुभ हो सकती है पर मन को शांत रखते हुए कार्य करें। राहु इन दिनों लग्न में चलना है, रविवार का अवसर है तो हो सके तो तांबे के बर्तनों का दान कर दीजिए। तांबे के बर्तन जो पूजा पाठ के बर्तन होते हैं किसी मंदिर में ले जाकर रख दीजिए एक दो, बस इतना सा उपाय। हो सके तो परोपकार का काम करने का प्रयास करें, थोड़ा गेहूं का दान करने का प्रयास कर लीजिए। ये आपके लिए शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा, कष्ट से निवृत्ति करने का योग बनाएगा। 24 तारीख का अवसर सोमवार की तिथि, तृतीया तिथि है और इस दिन भद्रा का योग जो है नए कार्यों को आरंभ करने से रोकने का दिवस जो है वो करीब करीब दोपहर को 2:30 आरंभ होगा। तो 2:24 से पहले पहले नए कार्य आरंभ हाथ में लेना चाहें ले लीजिए, लेकिन उसके बाद तो कम से कम मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें।
ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभ का योग है। बृहस्पति के साथ चंद्रमा का संबंध बहुत सुंदर हो गया है। जो भी कार्य में हाथ डालकर आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर आपके लिए लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शिव का ध्यान करके पूजन करके दिन का आरंभ करना आपके लिए शुभ रहेगा। 25 तारीख का अवसर मंगलवार भी है और उस दिन आषाढ़ मास में मंगल और चतुर्थी का योग बन गया है इस पहले पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में ये बना हुआ योग अंगारक योग का निर्माण कर रहा है, मंगल के जन्मदिवस का निर्माण कर रहा है। और मंगल विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो इन दिनों आपके धन एकत्र करने में बहुत सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन शनि जो है वो लोन चढ़वाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में मंगल को थोड़ी शक्ति दें, हनुमान जी का पाठ करें वो आपके लिए अच्छा रहेगा, सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। और खैर बुध का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है, बुध इस दिन उदय होने जा रहे हैं। ये चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको सफलता दे सकते हैं, सहायता दे सकते हैं, ये आपके लिए एक दिन तरलीफ के लिए रहेगा। तो जैसा आपने कहा, हमने बताया आपको अभी 7:30 चल रही है, तो हनुमान जी को तो चरण पकड़ के उनका पूजन करते रहें, उनके भक्त बने रहें, हनुमान चालीसा का पाठ, उनको चोला चढ़ाना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। 26 तारीख का अवसर बुधवार का दिन, पंचमी तिथि, कुंभ में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं 1:48 पर, और ये आपके लिए अननेसरी के खर्चे बढ़ाएंगे, जुर्माने बढ़ाएंगे। आने वाले 2-3 दिन विशेष तौर पर अननेसरी खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास कीजिएगा। कहीं ऐसा होता है विश्वास पर नया काम कर लिया और उसने बताया नहीं, बाद में खर्चे आपके बजाय डालती है, तो ऐसे योग भी बन सकते हैं। तो आने वाले 2-3 दिन ध्यान रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए, अच्छा होगा। विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान करें, और रिद्धि सिद्धि वहीं से आती हैं, तो उनके नाम जो है सुमुखश्चय दंतश्चय कपिलो गजकर्ण का लंबोदृश्य विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाधक्षो भालचंद्रो गजानन, ये नाम जो है भगवान का स्तवन करके उनको पीले पुष्प अर्पित करिए। देखिए भगवान गणेश के आशीर्वाद से रिद्धि सिद्धि प्राप्त के योग बनेंगे। नुकसान विघ्नहर्ता गणेश आपके नुकसान को कम करने का प्रयास करेंगे। 27 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर, षष्ठी तिथि है, और इस दिन रोहिणी के नक्षत्र में, रोहिणी के द्वितीय चरण नक्षत्र में, रोहिणी के नक्षत्र के द्वितीय चरण में बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं, और ये बहुत सुंदर योग है आपके लिए। देखिए इन दिनों 7:30 तो चली रही है आपके लिए, आप समझ लीजिए बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ चल रहे हैं। जितनी दुर्गा जी की आराधना करोगे, जितना यज्ञ करोगे, ये आपके लिए उतनी उन्नति के योग बनाएगा। और बृहस्पति महाराज 12 साल बाद आपके लिए इस राशि में आके बैठे हैं, इसका लाभ ले लीजिए। 7:30 का प्रभाव भी वो शून्य कर देंगी माँ दुर्गा। जितनी माँ भगवती वैष्णवी देवी दुर्गा देवी की आराधना आपके करेंगे, नोट करके रख लीजिए, इससे बढ़िया उपाय कुछ नहीं मिलने वाला है। दुनिया आपको कुछ और नग पहना रही, कोई कुछ कर रही, कुछ कर रही, कोई दान पुण्य कर रही है, हम केवल कह रहे हैं भगवती दुर्गा की आराधना। 7:30 का ये प्रभाव जो आपकी राशि में पहला भाव जो चल रहा है, पहला भाग, इसके नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए सुंदर बृहस्पति का परिवर्तन हुआ है, इसका ध्यान रखते हुए कार्य कर लीजिएगा, और किसी उपाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बात कर लेते हैं 28 तारीख की, शुक्रवार का अवसर, सप्तमी तिथि है, और मीन राशि में सुबह सुबह चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है, ये नई शक्ति का संचार करेगा, नई उम्मीद जगाएगा, पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। पुनर्वसु नक्षत्र में शुक्र का परिवर्तन हो रहा है, ये बृहस्पति के नक्षत्र में शुक्र का जो प्रवेश हो रहा है ये थोड़ा विचारणीय है, विचार को भिन्नता दे सकता है। देखिए हर रोज़ नई प्रवृत्ति परिवर्तनशील है, कुछ एक परिवर्तन फिर दूसरा परिवर्तन, उस परिवर्तन के प्रभाव को समझना ज्योतिष का कार्य है, और यही प्रभाव हम समझाने का प्रयास करें। अब कुछ परिवर्तन होते होते शुक्र आ गए इन दिनों पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र है, विचारों की भिन्नता, बृहस्पति अलग विचार, शुक्र अलग विचार, दोनों अलग अलग रास्ते, एक राक्षस एक का गुरु, विशेष तौर पर एक देवताओं के गुरु, दोनों भिन्न प्रवृत्ति। तो ऐसे में ध्यान रखें, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए, दुर्गा जी आपके भाग्य को जगाएंगी और नेगेटिव को दूर करेंगी, ध्यान रखते हुए कार्य करने, सीधा साधा उपाय हम बताते हैं आपको। बात करते हैं 29 तारीख की, शनिवार का अवसर, अष्टमी तिथि, और ग्रहों का परिवर्तन का महत्वपूर्ण योग, बुध परिवर्तन करके कर्क में जाएंगे, ये आपके लिए बहुत सुंदर है। बुद्धि का द्वारा नए योग बन सकते हैं जो आपकी जमीन जायदाद से लाभ देने के योग बना सकते हैं। शनि होने जा रहे हैं वक्री, ये आपको ध्यान रखना है, एक तो 7:30 फिर शनि महाराज वक्री 12वें भाव में बैठकर, इसका बहुत ज़रूरी उपाय करने की ज़रूरत है। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ करें, बस हनुमान जी के चरण मत छोड़िएगा, शनि का भाग निकल जाएगा, या शनि स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है, इसको करते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 30 तारीख रविवार, नवमी तिथि, और मेष में चंद्रमा का प्रवेश, यह आपके लिए अनुकूल रहेगा। जितने माता पिता चरण की सेवा करोगे, भगवान की गुरुजन की सेवा करोगे, आने वाले 2-3 दिन उतने बढ़िया रहेंगे आपके लिए। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन का प्रभाव संपूर्ण संसार में होता है। क्या परा क्या अपरापूर्ति, क्या व्यक्ति क्या जीव, क्या विशेष तौर पर संसार के कण कण पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव होता है, और उसी से परिवर्तन का योग बनता है।
पराप्रकृति हमेशा परिवर्तनशील है और उस परिवर्तन को पढ़ने का तरीका शास्त्र में जो विद्यमान है वो ज्योतिष विज्ञान है। ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से जो गणनाएं होती हैं उन गणनाओं के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर एक व्यवस्था बनाई कि भविष्य में उसका प्रभाव क्या कुछ होने जा रहा है। और आप देखिए, आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, आमतौर पर हम जन्मपत्री को जब देखते हैं तो जन्मपत्री क्या है आपका? जन्मपत्री जिस वक्त व्यक्ति का जन्म होता है उस वक्त एक ग्रह नक्षत्रों का खाका बनकर आता है कि आपने पूर्व जन्म में क्या क्या कर्म किए थे, उसके प्रभाव से व्यक्ति ने जिस समय पर जन्म लिया उस समय एक लेखा जोखा निकल कर आया कि ये कर्म के प्रभाव से आपको आने वाले समय में ये सब चीज़ें प्राप्त होने के योग हैं। और उस दिन से जब जन्म लिया तो यानी अब आप ये समझ लीजिए, जैसे आप एक इसको ऐसे समझें कि आप बैलेंस शीट बनाते हैं, सीए बैलेंस शीट बनाता है ना, 31 मार्च तक को ईयर एंडिंग में एक बैलेंस शीट बना दी गई और उससे क्या प्राप्त हो गया कि इस पूरे साल में क्या लेखा जोखा आया, क्या कमाई की, क्या लॉस हुआ और कितना अच्छा कार्य किया, आपके लिए सरप्लस कितना रहा, डेबिट कितना है, क्रेडिट कितना है, आपके खर्चे में क्या आगे आने वाले समय में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं। तो वही प्रभाव है, यानी 1 अप्रैल से जब नया कार्य आरंभ करते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए होते हैं। अब या तो उसको बैठ के खा लो या जो नुकसान है उसको बैठ के रो लो या कर्म कर लो, उसको और बढ़ाने का प्रयास करो, शुभ रूप करने का प्रयास करो। तो यही प्रभाव ज्योतिष के विज्ञान के अनुसार से है कि जन्मपत्ति तो केवल लेखा जोखा है, आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से पूर्व जन्म जो किया और अब आगे बढ़ने के लिए कौन से कर्म आपको सही चाहिए, कैसे कर आप उसको ठीक कर सकते हो, यही विज्ञान है। यही ज्योतिष ने बहुत सुंदर तरीके समझने का प्रयास किया और हमारा इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष जुड़ने का यही अर्थ रहता है कि हम आपको बताएं कि सही दिशा कैसे रहेगी, कौन सी दिशा पे आपको चलकर क्या कुछ कहां हिंड्रेंसेस आ रहे हैं, कहां रास्ता स्मूथ है, कैसे आपके जीवन में आप ग्रह क्रम जो है, घटनाएं जो है, वो किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयास कर रही हैं और कैसे आपको उसको अपने जीवन में लाभ के लिए, शुभ के लिए यूज कर सकते हैं। शास्त्र कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस संसार में मनुष्य तन जो है, शरीर जो है, बड़े भाग्य से मिलता है और उसको ऐसे ही बेकार ना करें। विज्ञान के अनुसार से, शुभ योगा योग के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए उसको हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, सही मार्ग पे अपने आप को डालने का प्रयास करना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंट करने का धंधा नहीं है। आप हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अनुसंधान कर बहुत सुंदर तरीके से जीवन को चलाकर सुंदर व्यवस्था बनाने का, सुंदर जो व्यवस्था है अनादिकाल से व्यवस्था करने का प्रयास किया। आज हम मूढ़ हैं जो अपनी संस्कृति पर विश्वास नहीं करते। विश्व में बहुत सारे लोग आज हमारी संस्कृति पर, इस ज्योतिष विज्ञान पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे पास बहुत विदेश से भी बहुत लोग आते हैं, जुड़ते हैं और जब ज्योतिष विज्ञान का चमत्कार उनके जीवन में वो समझ में आता है तो बहुत बढ़िया से उसको समझकर उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और आपके साथ बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आपके लिए अच्छे हैं? ये बात बहुत ज़रूरी थी विचार करने की। देखिए, आपका अलग भाग्य नहीं बनता है, आपके आसपास जब आपका भाग्य जागता है तो यानी आपका धन लाभ हुआ तो सोचो उस वक्त कितने लोगों के को लाभ होने के योग बनेंगे, वो आपके साथ जुड़े होंगे। और यदि आपका भाग्य खराब हो रहा है तो जो आपके साथ जुड़े हैं उन सबका भी कईयों का भाग्य खराब हो रहा हो। एक मंत्री बने व्यक्ति, आप ये समझें उनके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कितने लोगों का उद्धार हो गया, कितने लोगों की और प्रोग्रेस हो गई, किन किन को कौन कौन सा उनके अनुसार से जुड़े हुए लोगों को क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी उन सब के भाग्य ने भी जोर मारा। इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि जो लोग हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे साथ काम धंधा कर रहे हैं, हमारे अनुचर हैं, क्या उनके भाग्य में कोई समय खराब तो नहीं? मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ। एक व्यक्ति था और एक लाला जी के पास काम करता था। ज्योतिषी जी महाराज गए और बोले, महाराज इस व्यक्ति को हटा दो, इस व्यक्ति की आंखों में मुझे शनि दिखाई देता है। और लाला जी ने नहीं माना और वो व्यक्ति उसकी शनि की महादशा या कुछ खराब योग रहा होगा और पूरा बिजनेस व्यवसाय उन सब को लेकर कई बार से वो नुकसान करा गया। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपका ही भाग्य केवल जोर मार रहा है। आपका भाग्य तो जोर मार रहा है लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग, जब शुभ होने वाला होता है तो सारे लोग आपके साथ शुभ जुड़ जाते हैं। एक घटना और बताता हूँ आपको, बहुत पुरानी घटना है और ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से इसको समझना चाहिए। एक ज्योतिषी जी एक बार रेल यात्रा कर रहे थे और रेल यात्रा में जैसे पंडित जी जब जाते हैं, पुराने ज़माने में तो वो व्यवस्था होती थी कि क्लास में सब लोग जनरल बॉडी में एक साथ बैठे होते हैं जनरल बोगी के अंदर। तो पंडित जी को देख के एक व्यक्ति ने हाथ दिखाया, पंडित जी ने हाथ देखा और अच्छे मर्मज्ञ थे विशेष तौर पर पामिस्ट्री के, उन्होंने देखा व्यक्ति की मृत्यु आ रही है। उन्होंने उसको थोड़ा शब्द शालीनता से समझाने का प्रयास किया, स्वास्थ्य का ध्यान रखा। ऐसे में दूसरे व्यक्ति ने और कहा कि महाराज मेरा भी हाथ देखो। जब उन्होंने हाथ देखा तो भाई चांस मृत्यु फिर दिखाई दे रही है। 3-4 लोगों ने हाथ दिखाया तो पंडित जी ने देखा कि सबके मृत्यु के योग बिल्कुल सन्निकट दिखाई दे रहे हैं। पंडित जी के दिमाग में कुछ खटका हुआ,
उन्होंने लगा कुछ अशुभ होने वाला है, वो अगले स्टेशन पर उतर गए। आगे जाके इस रेलगाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। ये मेरे पिताजी ने मुझे घटना बताई और ये सत्य माने कि उन व्यक्ति जो पंडित जी थे उन्होंने पिताजी को खुद बताई थी ये घटना। तो ये सत्य माने ज्योतिष विज्ञान इतना वृहद विज्ञान है, बहुत चीज़ों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आपके साथ जो कार्य कर रहे हैं लोग, क्या उनका भाग्य साथ दे रहा है या वो आपके नुकसान करने के योग बना रहे हैं। देखिए, हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने साथ भाग्यशाली लोगों को रखने का प्रयास करें, तो ये भी हमको विचार करना चाहिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। तो ये सब चीज़ें ज्योतिष पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं और इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। इन सब का सिद्धांत बड़ा चमत्कारिक है विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों का, हजारों प्रकार की विभिन्न, हनुमान ज्योतिष, रामचरितमानस ज्योतिष, केवल शारीरिक समुद्र शास्त्र विज्ञान, पामिस्ट्री, अंक विज्ञान, इतनी प्रकार की ज्योतिष की शाखाएं हैं। वो सब की सब अपने आप में चला, चाहे पराशर ऋषि चाहे जैमिन ऋषि, इन सब ने अनेक अनेक सिद्धांत सुंदर तरीके से विकसित करने का प्रयास किया। रावण ने अलग प्रकार की ज्योतिष लिखी, अरुण संगीता का अलग प्रकार की ज्योतिष है, लाल किताब एक अलग प्रकार का विज्ञान चलती है। इन सबको सम्मिलित कर हम उन सब उपायों को लेकर, उन सब विज्ञानों को लेकर आपके समक्ष इस चैनल को रखने का प्रयास करते हैं। और जो भी आपको बताते हैं समझा कीजिए उसे, कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सही मार्ग को प्राप्त करने के लिए, सही समय का सही चुनाव करने में आपको सहायता प्राप्त होगी। भारतीय संस्कृति के लिए हमने ये विज्ञान का जो कार्य किया है हमारे आश्रम में, बहुत लगातार कई वर्षों से इस पर शोध चलता रहा है। विवेकानंद योग आश्रम हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी के सानिध्य में रहते हुए बहुत सारे करीब 40-50 से ऊपर ग्रंथों की रचना की गई, मुद्रा विज्ञान के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर, मंत्र विज्ञान के ऊपर, कुंडलनी विज्ञान के ऊपर। और उन सब ग्रंथों में बहुत बृहद रूप से भारतीय संस्कृति के बारे में हम सब लोगों ने शोध करके बताने का प्रयास किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में बड़ा अद्भुत खोज हुआ और ऐसी ऐसी मुद्राओं के सृजन किया गया कि जो अद्भुत चमत्कार उपस्थित करती हैं। जो आप समझ लीजिए कहीं मन शांत नहीं हो रहा है तो ये ज्ञान मुद्रा का अभ्यास, कान में दर्द है तो ये शून्य मुद्रा का अभ्यास, आपको बहुत सारी पेट संबंधी बीमारी रहती है, गैस ठीक होती नहीं है तो ये अपान मुद्रा का अभ्यास। इस प्रकार से ऐसी सहस्त्रों मुद्राएं हैं जिनके द्वारा, आँखों की समस्याएँ हैं, आँखों में बहुत सारी समस्याएँ रहती हैं तो ये प्राण मुद्रा। ऐसे में मुद्राओं के द्वारा ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी होता है, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को भी ठीक करने के लिए मुद्राओं का यूज़ कर सकते हैं। आपका बृहस्पति यदि ठीक नहीं चल रहा है, कमज़ोर है, तो उसके द्वारा ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के द्वारा बृहस्पति की, ये बृहस्पति की उंगली है, इस मुद्रा का अभ्यास करके आप बहुत सुंदर तरीके से लाभ ले सकते हैं। नई आवश्यकता आपको नग पहनने की, नई आवश्यकता कोई और उपाय करने की, केवल इस स्विच को दबाकर आप बृहस्पति के पॉजिटिव इफेक्ट को ले सकते हैं। शनि यदि आपके जीवन में कष्ट दे रहा है, नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, तो पहली उंगली को, ये बीच वाली उंगली को, जो सबसे बड़ी उंगली है, मिडिल फिंगर को अंगूठे के बेस पर लगा देने से शनि के नेगेटिव प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये अद्भुत देखा हुआ प्रयोग। ये दूसरी उंगली जो है वो शनि की उंगली मानी जाती है और शनि की उंगली को यदि अंगूठे के बेस पे लगा देंगे तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम करने के लिए अद्भुत योग बन सकता है। कीर्ति का योग बनना है, सूर्य कमजोर है व्यक्ति की कुंडली में और सूर्य राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो अनामिका उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से लगा दे तो ये सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने के लिए अद्भुत कार्य करती है। ये मुद्रा विज्ञान का चमत्कार है। तो ये सब शास्त्र में वर्णित है और हम अपने आश्रम के माध्यम से इन समस्त विज्ञानों को आपके समक्ष समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं। समय समय बहुत सारे आध्यात्मिक कार्यक्रम भी विवेकानंद योग आश्रम में चलते रहते हैं। हर रोज करीब नित्य का प्रति 8 घंटे करीब यज्ञ रहता है, आप भी उन यज्ञों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को होने वाले इस यज्ञ में सादर तौर पर हम सबको सम्मिलित करते हैं। उस यज्ञ में सुबह 8 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। बाकी विवेकानंद हॉस्पिटल योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा संस्थान है, भारत सरकार के साथ कार्य कर रहा है। पिछले करीब करीब 30-35 सालों से ये संस्थान सुंदर तरीके से आयुर्विज्ञान के संबंध में, ज्योतिष विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान के संबंध में अपना समस्त कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो और माँ भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर शिव विग्रह यहाँ विराजमान है, उनके सानिध्य में बैठकर आप उनका दर्शन करें, यज्ञ करें। अभी विशेष तौर पर गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है और ये बहुत अद्भुत योग रहेगा गुप्त नवरात्रि का, माँ भगवती दुर्गा के समक्ष अपनी गुप्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए। तंत्रोक्त दृष्टिकोण से गुप्त नवरात्रि जो आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होते हैं ये बहुत अद्भुत माने जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें माँ भगवती के सानिध्य में, जागृत शिव विग्रह के सानिध्य में जो बैठकर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करते हैं उनकी मनोकामना सिद्धि। आश्रम में हम लोगों ने इस बार विशेष तौर पर बड़ा यज्ञ रखने का प्रयास किया है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जो अभी आषाढ़ की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से समय आरंभ हो रहा है, ऐसे में माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह का
का दर्शन करके पूजा करके आप लाभ लेने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर तरीके से आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा और कल्याण के योग बनेंगे। 6 तारीख से ये सुंदर यज्ञ आरंभ होने जा रहा है 9 दिन के लिए। उसमें दुर्गा जी के विशिष्ट यज्ञ की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे तो आनंद रहेगा।